चैनल को सब्सक्राइब करें और डर को दरकिनार कर आंख बंद करके सुने सबसे डरावनी और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चौदह नवंबर 1995 चीन के बीजिंग शहर में रूट नंबर 375 की कुछ सवारियों से भरी बस अचानक से रास्ते में चलते चलते गायब हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि यह एक्सीडेंट था और कुछ लोग इस बस के गायब होने का कारण भूत प्रेत और आत्माएं बताते हैं। आखिर क्या हुआ था उस रात, इस रहस्यमय कहानी से आज हम कराएंगे आपको रूबरू। सुनिए चीन की ये सबसे रहस्यमय कहानी हिंदी में। बस रोको, बस को रोको प्लीज। ए, स्टॉप द बस प्लीज, बस को रोको। रात के तकरीबन 11 बजे नवंबर की कड़कड़ाती सर्दियों में बीजिंग के एक बस स्टैंड पर एक जवान लड़का और एक वृद्ध महिला उस रूट की आखिरी बस रूट नंबर 375 का इंतजार कर रहे होते हैं और बस आने के साथ ही वो दोनों लोग उस बस में चढ़ जाते हैं। वहीं उस बस में बैठी दो मौजूदा सवारियां उसी स्टैंड पर उतर जाती हैं। उस बस के अंदर एक लेडी कंडक्टर और एक मेल ड्राइवर होते हैं और इसके बाद वो बस वहां से आगे के लिए चल देती है। अब वो बस रूट नंबर 375 कुछ मीटर आगे ही चलती है, तभी अगले स्टैंड पर ड्राइवर को दो सवारियां खड़ी दिखती, लेकिन उनके पास जाने पर दिखता है कि वहां दो नहीं बल्कि तीन सवारियां हैं, क्योंकि वो दोनों सवारियां एक और व्यक्ति को कंधे का सहारा देते हुए खड़े होते हैं। शुरू में वो महिला कंडक्टर उन सवारियों को देखकर कुछ आश्चर्यचकित हो जाती है। ये कौन से जमाने के लोग हैं, इतनी पुराने स्टाइल के कपड़े पहने हैं इन्होंने। हो सकता है कि ये किसी नाटक मंडली वाले हों। जो भी हो, पर मैंने आज तक पूरे बीजिंग शहर में ऐसे वेशभूषा वाले लोग नहीं देखे। हाँ, वैसे कपड़े देखकर तो लगता है कि ये लोग 100 साल पुराने तो होंगे, है कि नहीं। इस बातचीत के बाद वो लोग उन तीनों विचित्र सवारियों को बस में बिठा लेते हैं और वो तीनों सवारियां सबसे पीछे वाली सीट पर एक लाइन से बैठ जाती हैं। वहीं उस बस में मौजूदा बुजुर्ग महिला लेफ्ट कॉर्नर की सीट पर बैठी होती है और वो जवान लड़का ठीक उसके आगे वाली सीट पर बैठ जाता है। अब बस आगे की तरफ चलती है, लेकिन पूरे रास्ते वो तीनों विचित्र सवारियां आपस में कोई बातचीत नहीं करती, जिसे देखकर वो लेडी कंडक्टर हैरान हो जाती है। ये तो कमाल है, ये तीनों लोग साथ में बस में बैठे थे, पर इन्हें देखकर लगता नहीं कि एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, सही कह रही हो, शायद नाटक करके ये लोग कुछ ज्यादा ही थक गए। ये सर्दियों का मौसम था और बस के सारे शीशे बंद थे, लेकिन उन तीनों ने अपना विंडो ग्लास खोला हुआ था, जिसके कारण हवा का तेज झोंका उनकी तरफ लग रहा था और हवा के तेज झोंके के साथ उस बस में बैठी बुजुर्ग महिला पीछे गर्दन घुमाकर उन तीनों की तरफ देखती है और कुछ सहम सी जाती है। इसके बाद वो बस कुछ देर और आगे चलती है और फिर अचानक से, ए, तुमने मेरा पर्स चुराया है, मेरा पर्स मुझे वापस करो, चोर कहेंगे, शर्म नहीं आती तुम्हें चोरी करते हुए, मेरा पर्स मुझे वापस करो। वो बुजुर्ग महिला अचानक से सामने बैठे जवान लड़के पर चिल्लाने लगती है और उस पर चोरी करने का इल्जाम लगाती है। आंटी, मैंने आपका पर्स नहीं लिया, मैं तो आगे बैठा हूँ, मैं आपका पर्स कैसे चुरा सकता हूँ। ज्यादा बकवास मत करो, तुम चोर हो, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। ड्राइवर, बस रोको, रोको बस को, ड्राइवर स्टॉप द बस। आंटी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने आपका पर्स नहीं लिया, झूठ बोल रही हो आप, यकीन ना हो तो मेरी तलाशी ले लो। मुझे कोई तलाशी नहीं लेनी, मुझे मेरा पर्स चाहिए बस। ड्राइवर, मैंने कहा बस रोको, रोको बस, स्टॉप द बस। बस में बैठे कंडक्टर और ड्राइवर उस बुजुर्ग महिला को बहुत समझाते हैं,
आंटी शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, उसने आपका पर्स नहीं लिया। अगर आपको यकीन ना हो तो आप उसकी तलाशी ले लो। आंटी बस रुकवाने का कोई फायदा नहीं, यह 11 बजे की आखिरी बस है, इतनी रात को तुम दोनों भटक जाओगे, समझो बात को। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता, आप बस बस रोको, मुझे इस लड़के को पुलिस के हवाले करना है, इसने मेरा पर्स चुराया है। लाख समझाने के बाद भी वो बुजुर्ग महिला नहीं मानती और ड्राइवर बस रोक देता है और उस बुजुर्ग महिला और जवान लड़के को बीच रास्ते में उतार देता है और वो बस उन तीनों सवारियों को लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद आंटी आपको क्या हो गया है, मैंने आपका पर्स नहीं लिया, प्लीज मेरी बात मानो। मैं जानती हूँ तुमने मेरा पर्स नहीं लिया। क्या, तो फिर आपने इतना तमाशा क्यों किया? तुम्हारी और अपनी जान बचाने के लिए। जान बचाने के लिए मतलब? इसके बाद वो बुजुर्ग महिला उस जवान लड़के को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनने के बाद किसी की भी रूह डर से कांप उठी। मैं जब पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी तो उन तीनों सवारियों को बार बार देख रही थी। शुरू में मुझे भी वो साधारण लोग लगे, लेकिन एक बार तेज हवा का झोंका आया और उनके कपड़े हवा में कुछ उड़ने लगे। हाँ तो उससे क्या? तो ये है कि बेटा, मैंने देखा कि उन तीनों लोगों का धड़ के नीचे का हिस्सा है ही नहीं, वो इंसान नहीं, मरी हुई प्रेत आत्माएं। What nonsense! क्या बकवास है ये, मैं नहीं मानता। आंटी उम्र ज्यादा होने के कारण आपकी नजर कमजोर हो गई है और कुछ नहीं। बेटा मेरा यकीन करो, हमने अपनी जान तो बचा ली, अब हमें उस बस में बैठे ड्राइवर और कंडक्टर को बचाना है, इसीलिए जल्दी से पुलिस स्टेशन चलो, रिपोर्ट करते हैं। आंटी लिसन, अब मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, इतनी रात को आपने वो आखिरी बस भी निकलवा दी, अब पुलिस स्टेशन, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, प्लीज। बेटा मेरी बात को समझो, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज चलो पुलिस स्टेशन। और इसके बाद वो महिला उस लड़के को समझा बुझाकर पुलिस स्टेशन ले गई। क्या कहा आपने, उन लोगों के पैर नहीं थे? ओह कम ऑन आंटी, आप कोई हॉरर फिल्म देख कर आई हो क्या? नहीं मेरा यकीन करो, सच में वो तीनों आत्माएं हैं, ड्राइवर और कंडक्टर को खतरा है, आप कुछ करो प्लीज। ऐसी उलझुल चीजों की रिपोर्ट नहीं होती आंटी, कानून भूत प्रेतों को नहीं मानता। आप प्लीज मेरी बात मानिए, रिपोर्ट लिखिए और उस बस को रोकिए, वरना वो कंडक्टर और ड्राइवर मारे जाएंगे बेचारे। अच्छा अच्छा ठीक है, आप जाइए, हम जांच शुरू करते हैं। और उस महिला के पीछे पड़ने पर पुलिस वाले जांच के लिए हामी भर देते हैं पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करते। और फिर वो बुजुर्ग महिला और जवान लड़का थाने में अपना नंबर देकर अपने अपने घर चले जाते हैं। और अगली ही सुबह पूरे शहर में एक खबर आग की तरह फैल जाती है कि रूट नंबर 375 की बस अपने डिपो पर नहीं पहुंची और कल रात से गायब है। और वायरलेस के जरिए ये मैसेज सारे पुलिस स्टेशन तक चला जाता है और इसी के साथ ये खबर उस पुलिस स्टेशन तक भी चली जाती है जहां उस बुजुर्ग महिला ने इसी खोई हुई बस रूट नंबर 375 की पिछले ही रात कंप्लेंट दर्ज कराई थी। और इसी के साथ उन पुलिस वालों की आंखें खुलती हैं और वो वापस उस बुजुर्ग महिला को फोन कर पूरे केस का मुआयना करते हैं। इंस्पेक्टर मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि उस ड्राइवर और कंडक्टर की जान खतरे में है, वो तीनों सवारियां आत्माएं थी, भूत थी वो। और अब बस की तलाश करते करते लगभग 2 दिन बीत जाते हैं। हालांकि उस समय भी बीजिंग की हर सड़क पर कैमरे लगे हुए थे, कैमरे की फुटेज चेक की जाती है जिसमें वो बस सिर्फ उस जगह तक दिखती है जहां उसने उस बुजुर्ग महिला और लड़के को उतारा था और उसके बाद किसी भी कैमरे में वो बस नजर नहीं आती। और उसके बाद पता चलता है कि रूट नंबर 375 की बस फ्रेग्रेंट हिल्स के पास एक झील में मिली है और उस बस के अंदर बैठे 5 लोग, ड्राइवर कंडक्टर और वो 3 सवारियां मर चुके हैं। लेकिन पुलिस वाले जब उन लाशों को बाहर निकालते हैं तो उन्हें बड़ी ही हैरानी होती है क्योंकि उन 5 लाशों में से 2 लाशें तो ठीक थी लेकिन बाकी 3 लाशें
बुरी तरह सड़ी गली और डीकम्पोज हो चुकी थी, मानो वो कई सौ सालों से पड़ी हो, जबकि ये घटना सिर्फ दो दिन पुरानी थी। और सर्दियों के मौसम में लाशों का इतना बुरी तरह गलना मुमकिन नहीं है। और फिर आगे की जांच में इसके बाद बस डिपो वालों से इस बस के बारे में पता चलता है कि उस बस में इतना तेल ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट हिल तक पहुंच सके। और बाद में जब बस की फ्यूल टैंक चेक की जाती है तो उसमें फ्यूल की जगह ब्लड होता है। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या रूट नंबर 375 की उस बस ने प्रेग्नेंट हिल तक का सफर खून से तय किया था? अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए पॉडकास्ट स्टार।